हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज आप देखने वाले हैं काजू कतली की रेसिपी। एकदम आसान तरीके से टेस्टी और इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए काजू कतली बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप फ्रेश काजू लिया है, 1 कप चीनी, 1/2 कप मिल्क पाउडर और 2 बड़े चम्मच घी लेंगे। सबसे पहले एक मिक्सर जार में हम काजू को ग्राइंड करेंगे और काजू का पाउडर बनाएंगे। काजू का पाउडर बन चुका है, काजू का हम एकदम फाइन पाउडर बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब एक बर्तन लेंगे और एक छन्नी की सहायता से पाउडर को अच्छी तरह से छान लेंगे। जब आप काजू का पाउडर बनाएं तो मिक्सर को लगातार न चलाएं। 5 सेकेंड चलाना है फिर रुकना है, 5 सेकेंड चलाना है फिर रुकना है। अगर हम लगातार चलाएंगे तो हमारा काजू से ऑयल निकलने लगेगा और हमारा पाउडर चिपचिपा सा हो जाएगा। पाउडर को मैंने छान लिया है और जो दरदरा बचा हुआ है उसे हम फिर से पीसेंगे और इस तरह से एकदम फाइन पाउडर बनाएंगे। अब गैस ऑन करेंगे और लो फ्लेम पे एक पैन में चीनी डालेंगे। जितनी चीनी है उससे आधी हम पानी डालेंगे। चीनी को लगातार चलाते हुए हम इसका चाशनी तैयार करेंगे। लो फ्लेम पे हम 5 से 7 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए एक तार की चाशनी बनाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। देखिए हमारी चाशनी में बबल्स आने लगे हैं। चाशनी हमारी रेडी है, अब हम इसे एक बार चेक करेंगे हमारी चाशनी एक तार की बनी है या नहीं। थोड़ी सी चाशनी हम निकाल कर चेक करेंगे। देखिए हमारी एक तार की चाशनी तैयार है। अब हम इसमें काजू पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। पाउडर को हम लगातार चलाते रहेंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। इसे हम ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट ही पकाकर हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए इसका थिकनेस बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालकर इसे लगातार चलाएंगे ठंडा होने तक। दस मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक बटर पेपर लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट ठंडा होने के बाद हमारा बर्फी का बैटर डो की तरह बन गया है। इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे और चिकना कर लेंगे। इस तरह से दबा दबा के इसे अच्छे से मिलाकर इसे चिकना करेंगे। देखिए इस तरह से एकदम अच्छे से मैश करेंगे इसे। हाथ से अच्छे से मिलाकर इसे गोल बना लेंगे और इसे हाथ से एक बार दबा लेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी घी लगाएंगे और ऊपर से बटर पेपर रखेंगे और इसे दबा देंगे। दबाने के बाद इसे हम बेलन की सहायता से हल्के हल्के बेलेंगे। ऐसे घुमा घुमा कर हमें बेलना है। हम जितना बर्फी मोटा चाहते हैं उतना मोटा बेलेंगे। इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे कट करेंगे। मैंने इसमें पहले से निशान लगा लिया है, अब हम इसमें कट करेंगे ताकि हमारा बर्फी एकदम शेप में कटे। देखिए इस तरह से हमारा बर्फी एकदम डायमंड शेप में निकले।
धीरे धीरे काटें। देखिए बर्फी कट चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे काजू कतली। अब हम इसमें बर्क से गार्निश करेंगे। आपके पास अगर बर्क ना हो तो कोई परेशानी नहीं है, बिना बर्क के ही काजू कतली हमारी बहुत टेस्टी लगेगी। बर्क लगाने के बाद हम इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि इसमें अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद बर्फी को हम फिर से कट कर लेंगे और अलग अलग कर लेंगे। एकदम हलवाई वाली काजू कतली बनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। आप भी इस मिठाई को जरूर ट्राई करें, एकदम परफेक्ट बनने वाली है। अगर आप अपनी पसंद की कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की यम्मी रेसिपी के साथ।